हेलो फ्रेंड्स, देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि आपके एग्जाम में जैसे अगर आता है प्री सर्विस टीचिंग के बारे में, तो आप प्री सर्विस टीचिंग एजुकेशन के बारे में कैसे लिखेंगे। अब यहाँ पे हम उसका सेकंड पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे इन सर्विस टीचिंग के बारे में। इन सर्विस प्री सर्विस टीचिंग है। आपके पास जैसे आप बीएड का एग्जाम देते हैं तो 16 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आपके पास इससे रिलेटेड टीजीटी पीजीटी पेडागोगी में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, इन सर्विस टीचिंग और प्री सर्विस टीचिंग क्या होते हैं। तो देखो, जो इन सर्विस के बारे में अगर आया तो आपको पहले तो वो ऑब्जेक्टिव लिखने हैं जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब इन सर्विस के बारे में क्या है, वे ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं थोड़े से। इन सर्विस के ऑब्जेक्टिव्स, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। इन सर्विस का मतलब है जब आपने ज्वाइनिंग कर लिया, आप टीचर बन गए हैं, आप स्कूल में चले गए हैं, उसके बाद आप किस तरह से आपकी ट्रेनिंग होगी, वो इन सर्विस टीचिंग के अंदर आती है। एजुकेशन टीचिंग है कि जो टीचर है उसको किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाए, टीचर को सेमिनार वर्कशॉप, ठीक है, और स्कूल के माहौल के बारे में कैसे समझाया जाए, किस तरह से टीचर एडजस्टमेंट हो पाए बच्चों के साथ, स्कूल के साथ, मैनेजमेंट के साथ, वो सारी चीजें हमें इन सर्विस टीचिंग में पढ़नी होती है। तो देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एम्स एंड ऑब्जेक्टिव लिखेंगे जो एनसीएफटी ने 2009 में डिफाइन किए हैं इन सर्विस टीचिंग के, ठीक है। तो इसमें कहा है कि एक्सप्लोर, रिफ्लेक्ट ऑन एंड डेवलप वंस ऑन प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या करना है, बेसिकली एक्सप्लोर करना है, रिफ्लेक्ट करना है और डेवलप करना है प्रैक्टिस के द्वारा आपके जो टीचर है, टीचर की कैपेबिलिटीज को। फिर डीपन वंस नॉलेज ऑफ एंड अपडेट वन सेल्फ अबाउट, यहाँ पे वन सेल्फ वगैरह मतलब टीचर को कहा गया है, उससे रिलेटेड चीजें, अबाउट वन एकेडमिक डिसिप्लिन और अदर एरिया ऑफ स्कूल कैरिकुलम। तो स्कूल करिकुलम के बारे में, उसको स्कूल के डिसिप्लिन के बारे में, एकेडमिक के बारे में, स्कूल के माहौल के बारे में अपडेट करना टीचर को, ठीक है, और उसकी जो नॉलेज है उसको डीपन करना। रिसर्च एंड रिफ्लेक्ट ऑन लर्नर एंड देयर एजुकेशन, ठीक है। तो जो लर्नर है उनकी एजुकेशन के बारे में आपको ये हमें ऑब्जेक्टिव माना, रिसर्च और रिफ्लेक्ट करना। तो हमने रिफ्लेक्ट पढ़ा था, जब आप यूज करते हैं इन सर्विस में तो रिफ्लेक्ट आपको वहां पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे प्री सर्विस में रिफ्लेक्ट ऑन किस पे था, नीड पे था, यहाँ पे रिफ्लेक्ट ऑन लर्नर है, वहां पे रिफ्लेक्ट ऑन नीड था, यहाँ पे लर्नर है। अंडरस्टैंड एंड अपडेट वन सेल्फ ऑन एजुकेशनल एंड सोशल इशू के बारे में, एजुकेशनल और सोशल इशू के बारे में भी अपडेट होना चाहिए, समझना चाहिए टीचर को, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि क्यों पढ़ाना है मुझको, ठीक है। तो वो सारी चीजें, क्या सोशल इशू आते हैं एजुकेशन में, क्या एजुकेशनल इशू है। प्रिपेयर फॉर अदर रोल्स प्रोफेशनली लिंक्ड टू एजुकेशन टीचिंग, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड, ठीक है, जैसे आपका स्कूल में अदर रोल्स मिलेंगे वो भी आपको, जैसे टीचर एजुकेशन, करिकुलम डेवलपमेंट करना, काउंसलिंग करना, उनके लिए भी टीचर को प्रिपेयर करना। भाई पढ़ाएगा तो है ही टीचर, उसके साथ करिकुलम भी डेवलपमेंट में, काउंसलिंग करने में भी हेल्प करे बच्चों की, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट में इसमें लिखना टाइप्स ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम्स, ये इम्पोर्टेंट है, आपको यही पॉइंट याद रखने हैं कि जो इन सर्विस प्रोग्राम है उनके कौन कौन से टाइप है। तो टीचर को जो ट्रेनिंग दी जा रही उनके लिए है ये कॉन्फ्रेंस करके, वर्कशॉप करके, रिफ्रेशर कोर्स है, कुछ नए कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, जैसे क्रैश कोर्स टाइप के वहाँ पे टीचर को करे जाएंगे, वर्कशॉप कराई जाएगी टीचर को, कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चलेंगे टीचर के लिए, स्टडी ग्रुप चलेंगे। तो ये पांच टाइप की इन सर्विस है, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, रिफ्रेशर ग्रुप कोर्सेज, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और स्टडी ग्रुप। इनके बारे में आप दो दो चार चार लाइन जो लिखना चाहो लिख सकते हो, अगर दोनों चीज आ गई आपके पास, ठीक है, इन सर्विस और प्री सर्विस एग्जाम में आई तो आप वो ही लिखेंगे, ठीक है, एडिंग भी डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। मतलब आपको हेडिंग तो डालनी है, अगर ये 4 नंबर में आया खाली इन सर्विस प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं तो आपको इनको थोड़ी थोड़ा लिखना होगा। भाई कॉन्फ्रेंस क्या होती है, टीचर की कॉन्फ्रेंस करानी है उसके बारे में लिखेंगे, वर्कशॉप के बारे में लिख देंगे, आपको ये पता ही होगा, रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और स्टडी ग्रुप, ठीक है। इसके बाद देखो कि हमें कैसे डिजाइन करना है, जो हमारा प्रोग्राम होता है उसको हम कैसे डिजाइन करें और कौन कौन से मॉडल होते हैं इसमें, तो वो मॉडल कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं।
देखो जब हम बात कर रहे हैं मॉडल की, तो ये बेसिकली आती है वैरायटी ऑफ इन सर्विस प्रोग्राम्स। इन सर्विस प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं वो तो वहां पर होगी, इनकी वैरायटी क्या है, ठीक है, मेन कैटेगरी क्या है। तो एक हमारा इंडक्शन प्रोग्राम होता है, ठीक है, एक कैस्केड मॉडल होता है, इसके अंदर कैस्केड मॉडल आप यूज करते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो है, इसके बाद जो है, जो हमारे पास वर्किंग ग्रुप वगैरह में हम यूज करते हैं वो यूज होता है, जिसको बेसिकली हम बोलते हैं वन शॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, वन शॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारे इन सर्विस प्रोग्राम के वैरायटी है, इंडक्शन प्रोग्राम, कैस्केड मॉडल और वन शॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो देखो इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होता है, जो भी हमने चीजें पढ़ी उनके बारे में ही है, ठीक है। जो हमने इसके टाइप्स पढ़े, कौन कौन से टाइप्स के होते हैं जो हमारे इन सर्विस प्रोग्राम होते हैं, जैसे कॉन्फ्रेंस होगी हमारी, ठीक है, वर्कशॉप होगी, उससे रिलेटेड ही है ये भी। तो इंडक्शन इज द सपोर्ट एंड गाइडेंस प्रोवाइडेड टू न्यू टीचर, ठीक है। तो इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में आएगा, तो इंडक्शन प्रोग्राम का मतलब है जब आपने स्कूल ज्वाइन कराया है तो आप नए टीचर हो स्कूल के लिए, ठीक है। तो नया टीचर हो या कोई भी स्कूल का स्टाफ हो एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन अर्ली स्टेज ऑफ दियर कैरियर, ठीक है। तो इंडक्शन प्रोग्राम कब यूज करे जाते हैं, जब स्टाफ या टीचर जो है अर्ली कैरियर होता है उनका, नया नया ज्वाइन करता है स्कूल को। तो इंडक्शन इंक्लूड, इंडक्शन का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन टू द वर्क प्लेस, जो वर्क प्लेस है जहाँ उसको काम करना है उसके बारे में बताना, उसके बारे में समझना, वहाँ का माहौल समझना, सोशलाइजेशन समझना, ये सब चीज़ें मेंटर कौन कर रहा है, जो वहाँ से पहले से स्टाफ है, पहले से टीचर है, एक्सपीरियंस टीचर, एंड गाइडेंस थ्रू बिगिनिंग टीचर प्रैक्टिस, और ये फिर उसके अकॉर्डिंग उनके टीचर प्रैक्टिस से आती रहती है, वो फिर उनको समझाते हैं। इट ट्रेन देम ऑन द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स, नॉर्म्स, पॉलिसी, वर्क कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशन के वर्क कल्चर के बारे में, नॉर्म्स के बारे में, पॉलिसीज के बारे में वहाँ उनको समझाया जाता है। एंड इंक्लूडेड्स इन देम द डिजायर सोशल बिहेवियर पर्टेनिंग टू दियर जॉब, ठीक है। तो उनको वहाँ पे अपनी जॉब से रिलेटेड किस तरह से वहाँ पे काम करना है, वो सारी चीजें इंडक्शन प्रोग्राम के पार्ट होती है। अब जैसे हमारे पास दूसरा इसमें जो वैरायटी है हमारी इन सर्विस प्रोग्राम की, वो है कैस्केड मॉडल। कैस्केड मॉडल का मतलब क्या है, ये मोर सेंट्रलाइज होता है टीचर से, ठीक है। तो मोर सेंट्रलाइज अप्रोच एंड बेस्ट यूज फॉर डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड स्किल अमंग लार्ज टीचर पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब हमारे पास कैस्केड मॉडल कब हम यूज कर रहे हैं, जब बहुत सारे टीचर्स हैं उनको सेंट्रलाइज करके उनके लिए हम बना रहे हैं, तो उसमें फिर क्या करा जाता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचर को हम सेलेक्ट करते हैं बहुत सारे टीचर्स से। तो हेयर स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचर आर सेलेक्टेड, ठीक है। तो स्मॉल ग्रुप ऑफ टीचर्स वहाँ से सेलेक्ट करा जाता है, रिसीव करी जाएगी, उनसे जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग होगी वो उनको ट्रेनिंग पार्ट में, मतलब ग्रुप बना लिए जाते हैं इसमें टीचर्स के, ठीक है, काफ़ी सारे टीचर्स हैं तो उनके ग्रुप बना लिए, तो ग्रुप बना कर फिर उनको अकॉर्डिंग वहाँ पर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। कैस्केड ट्रेनिंग फ्लो डाउन थ्रू ए लेवल ऑफ लैक्स एक्सपीरियंस ट्रेनर, तो जो कैस्केड मॉडल होता है इसमें जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो लेस एक्सपीरियंस ट्रेनर होते हैं। जो हमने पीछे पढ़ा अभी हमारे पास इंडक्टिव मॉडल होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक्सपीरियंस ट्रेनर होते हैं, यहाँ पे लेस एक्सपीरियंस ट्रेनर होते हैं। तो ये इसका क्या है, एक ड्रॉबैक है यहाँ पर, ठीक है। तो अंटिल इट रीच द टारगेट ग्रुप एंड दस इन द प्रोसेस द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन टेंड टू बी लॉस्ट, तो ये इसकी एक क्या हो गई, ड्रॉबैक हो गई है। तो देखो ये तीसरा वाला है वन शॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम। वन शॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम जैसे तीन तरह की हमने बताई, इंडक्शन में क्या हो रहा था, वहां पर सारे सके सारे वो जो टीचर या स्टाफ स्कूल में जाता था उनको ट्रेंड जो टीचर होते थे, एक्सपीरियंस टीचर, वो समझाते थे, वो स्कूल के अंदर था। यहाँ पे कैस्केड में हमारे पास एक एरिया के सारे स्कूल के टीचर्स आ गए, उनको फिर हमने छोटे छोटे ग्रुप में बना दिया है, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग फिर उनको ट्रेंड करा जा रहा है लेकिन लेस एक्सपीरियंस के। तो वन शॉट ट्रेनिंग प्रोग्राम नाम से पता चल रहा है वन शॉट है,
तो वन शॉट का मतलब सिंगल वर्कशॉप होगी या कोर्स होगा फॉर ए ग्रुप ऑफ टीचर, ठीक है। तो ये एक सेमिनार की तरह से हो गया। द वन शॉट इन सर्विस ट्रेनिंग इज गिवन फॉर जस्ट ए शॉर्ट टाइम के लिए होता है विद नो फ्लो ऑफ सेमिनार, ये तो यानी कि चलता ही रहेगा, ठीक है, नो फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स आफ्टर इट, ठीक है। तो द एंटायर ट्रेनिंग प्रोग्राम विल बी कंडेंस एंड इट विल बी फ्यू क्लासेस, कुछ क्लासेस का ही होगा। तो इसमें जल्दी से आप उसको एक ग्रुप बनाकर वर्कशॉप टाइप की करा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें क्या लिखना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सेंट्रल स्कीम चल रही है टीचर एजुकेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए, उसमें सेंट्रल ने कौन कौन सी स्कीम चलाई हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको देखो ये आया इन सर्विस का, अगर आपके पास क्वेश्चन आया कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन के बारे में आप बताओ, तो आपको इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। सबसे पहले क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिर इसके टाइप्स लिखने हैं जैसे वर्कशॉप सेमिनार वगैरह होती है, फिर इसकी वैरायटी लिखनी है कौन कौन सी वैरायटी होती है, इंडक्टिव है हमारी, कैस्केड है और वन शॉट है, फिर इसके बारे में स्ट्रेंथ इसको स्ट्रेंथ करने के लिए कौन कौन सी स्कीम है। तो ये कुछ स्कीम है जैसे एकेडमिक स्टाफ कॉलेज बनाए गए हैं। एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में क्या होता है कि ट्रेनिंग दी जाती है एकेडमिक टीचर्स को, फिर डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, फिर एक SCERT स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के लिए, ऐसे ही NCERT आप इनके बारे में जानते हैं, ये स्टेट काउंसलिंग के लिए है, ये नेशनल काउंसलिंग के लिए है, ठीक है। नेशनल काउंसलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और ये टीचर एजुकेशन के लिए भी बनी गई है एक नेशनल पे, नेशनल काउंसलिंग फॉर टीचर एजुकेशन। फिर कुछ कॉलेजेस बनाए गए हैं, ये सारे के सारे जो है अकेडमिक के लिए है, कॉलेज के लिए जो है कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन है। तो ये हमारे पास जो है कुछ स्कीम चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के टीचर ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये इन सर्विस जो हमारे पास टीचर एजुकेशन है उसके अंदर लिखना है। तो इस वीडियो में आपके पास इतना ही, दोनों वीडियो आपके पास जो पहले वाला प्री सर्विस का आप पढ़ लेना, ये इन सर्विस का हो गया। कुछ डाउट हो अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे उसके बारे में, ठीक है। कैसे लिखना है एग्जाम में आपको वो सब इसमें यहाँ पर समझा दिया गया है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।